इश्क कयामत भी है जी, ये इश्क इबादत भी है जी। कोई तौबा करे, कोई सजदा करे, कभी कभी लोग पहले इश्क में ही बड़ा नाम कर जाते हैं, पर ऐसा भी कई बार होता है जब इश्क में लोग ठोकरे खाते हैं। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए राखी सावंत के इश्क की दास्ता, हमारे वीकेंड स्पेशल स्टोरी ये इश्क हाई में। राखी सावंत की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। उनके घर का कोई मसला हो, रियलिटी शोज हो, आइटम सॉन्ग्स हो, कोई बोल्ड स्टेटमेंट हो या कोई दिल दा मामला हो, राखी हमेशा अपने जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात अपने फैंस और मीडिया से शेयर करती हैं। या यूं कहे तो राखी की हर बात हेडलाइंस बन जाती हैं। कुछ ऐसी ही दिलचस्प इश्क के खुमार से गुजरी है राखी। इन दिनों राखी जनाब आदिल खान दौरानी के इश्क वाले लव में डूबी है। इसके पहले भी राखी के दिल में प्यार के फूल खिले थे। राखी अपने आइटम सॉन्ग्स के लिए जानी जाती थी। वही राखी ने बिग बॉस 1 में पार्टिसिपेट किया था, तब पहली बार राखी ने अपने इश्क का इजहार किया था। डांसर और एक्टर अभिषेक अवस्थी के लिए राखी के दिल में प्यार जगा था। दोनों काफी दिनों तक साथ थे, पर फिर इनके रिश्ते को किसी की नज़र लग गई और दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। उसके बाद राखी ने एक रियलिटी शो के जरिए अपना स्वयंवर रखा। राखी के स्वयंवर में ये दावा किया गया था कि वो इस शो के विजेता के साथ शादी करेंगी। 2010 में राखी ने शो के विजेता इलेश परुजनवाला के साथ सगाई की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। दिसंबर 2018 में राखी सावंत ने अपनी शादी का कार्ड तक छपवा दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि राखी अपने बॉयफ्रेंड दीपक कलाल के साथ शादी करने वाली हैं। दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर काफी बेबाक बयान दिया था। आइए डालते हैं उस वीडियो पर एक नज़र। देखिए, जब मैं अमेरिका में थी तब मुझे इन्होंने प्रपोज किया था। Am I right? तो मुझे कहा था आई एम इन लव विथ यू राखी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, विल यू मैरी मी? तो मैंने कहा ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं शादी से पहले टेस्ट ड्राइव तो होता है ना? डेफिनेटली होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें, तो मैंने कहा कि टेस्ट ड्राइव तो चाहिए, फिर बाद में बार बार शादी इंसान करता नहीं है, बार बार तलाक नहीं ले सकते, तो मैंने इनका टेस्ट ड्राइव करते हैं, और मैंने जो है वो 150 के स्पीड में गड्डी दौड़ाई है, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी, लेकिन मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ। बाद में राखी ने ये कहा कि दीपक कलाल पर एक पीआर कॉन्स्पिरेसी थी। फिर राखी ने जुलाई 2019 में बताया कि उन्होंने मुंबई के 5-स्टार होटल में शादी कर ली है, लेकिन उन्होंने अपनी शादी की तस्वीर या अपने पति की तस्वीर नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि उनकी शादी में केवल 4-5 लोग ही मौजूद थे। हालांकि लोगों को उनकी शादी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। पति का नाम राखी ने रितेश बताया। शादी की तस्वीरों से लेकर हनीमून और करवा चौथ की तस्वीरें राखी ने शेयर की, पर अपने पति को राखी ने गुप्त ही रखा। राखी की इन तस्वीरों को देखे तो लगता है कि उन्होंने तीन तरह से शादी की। राखी और रितेश ने हिंदू रीति रिवाज, क्रिश्चियन रीति रिवाज और कोर्ट मैरिज की थी। राखी के मुताबिक उनके पति लंदन में रहते हैं और वो एक NRI बिजनेसमैन है। जहां मीडिया से परहेज था रितेश को, वो अचानक बिग बॉस 15 का हिस्सा बने। दोनों साथ में पति पत्नी बनकर घर में थे। कई बार रितेश राखी पर काफी अग्रेसिव होते हुए दिखाई दिए। शो के होस्ट सलमान खान ने भी रितेश को समझाकर फिर उन्हें फटकार भी लगाई। बाकी के घर वालों ने भी रितेश को समझाना चाहा कि वो राखी से तमीज से बात करे। शो खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद दोनों कई बार स्पॉट हुए, पर फिर राखी ने पोस्ट शेयर कर बताया कि उन्होंने रितेश से अलग होने का फैसला लिया है। वेल, अब फिर राखी के जिंदगी में आए मसूरी के आदिल खान दौरानी। आदिल एक कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से हैं। राखी के हिसाब से आदिल उनके सही प्रिंस चार्मिंग है। यहाँ तक कि उन्होंने राखी को BMW गिफ्ट की है और वो राखी को बहुत प्यार भी करते हैं। टेली मसाला के साथ इंटरव्यू में राखी ने अपनी लव स्टोरी रिवील करते हुए बताया, एज डजंट मैटर डेफिनेटली बिकॉज आई एम जस्ट 6 or 7 इयर्स एल्डर टू हिम एंड ही ओनली टोल्ड मी। मैंने उसको डे 1 पे ही बोला था। ऑफ कोर्स आई वाज द वन हु कन्विंस्ड हर फॉर दिस। या इवन आई वाज नॉट रेडी, आई सेड आई एम एल्डर टू यू,
But he said, see, there's so many artists, you know, they're elder, 14 years, 15 years, 10 years. So then I said, okay. नहीं आई फील वेरी सैड कि अगर आपको आपके थोड़े कम एज के लड़के से प्यार हो जाता है तो यहाँ पे कहते ओ आप इतने बड़ी हैं वो छोटा है तो उनका क्या करोगे जो बूढ़े इंसान 16-17 साल की 20 साल की लड़की से शादी कर लेते हैं फिर उनको तो उन लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए बट आजकल ट्रेंड इज अ डिफरेंट एंड आई फील के आई एम हैप्पी हमारे बीच में एज की कोई क्या कमी है मुझ में थैंक्स टू आदिल के आदिल ने मुझे पहले BMW कार प्रपोज करके गिफ्ट करी एंड अभी दुबई में एक फ्लैट अपार्टमेंट ऑन 30th फ्लोर वहाँ पे उन्होंने मुझे गिफ्ट किया आई रियली थैंक्स टू हिम कि अगर प्यार ऐसा होता है इतने सारा गिफ्ट देकर ओ माय गॉड सो आई फील आई एम लकी आदिल के साथ राखी आईफा 2022 में भी नजर आई जहां दोनों की केमिस्ट्री खूब रंग लाई राखी की ये मोहब्बत की दास्तां सुनकर मालूम होता है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता कभी किसी को आसमान नहीं मिलता कभी किसी को जमीन नहीं मिलती कैसा लगा आपको राखी का ये इश्क हाय बताएं हमें कमेंट सेक्शन में और ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टेली मसाला।